भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पर दो गुटों में हुए विवाद के बाद यह फायरिंग हुई जिसमें तीन लोग शिकार बने। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई है। ये घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है। वहीं एसपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई में बता रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोली चलाई है, लेकिन स्थानीय लोग बॉर्डर पार जाने को लेकर विवाद में गोली चलाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है।